हेलो जून, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर भोली, रिटन बाय के ए अब्बास। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। हर नेम वॉज सुलेखा, जो भोली है उसका नाम क्या था? सुलेखा नाम था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसको भोली कह करके बुलाते हैं। भोली मीन्स होता है सिंपलेटन, यानी कि बहुत ही सीधा साधा इंसान जिसको आसानी से अपनी बातों में टैकल किया जा सके। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल नाम के जो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी चार डॉटर्स हैं और चार डॉटर्स में से सबसे छोटी डॉटर का नाम है भोली। वेन शी वॉज 10 months old, जब भोली 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, तो वो चारपाई से गिर गई थी। हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो जब वो गिरी तो उसके हेड पे पूरा प्रेशर आया, जिसकी वजह से उसके हेड का शायद कुछ पार्ट डैमेज हो चुका था। दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसी वजह से वो काफ़ी पिछड़ी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो बोलती चलती नहीं थी और उसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती थी। एंड कम टू बी नोन एज भोली, तभी से उसको सभी लोग भोली द सिंपलेटन कह करके बुलाने लगे। एट बर्थ, जब उसका जन्म हुआ, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, तो बहुत ही गोरी सी और सुंदर सी थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको चेचक जिसको कहते हैं, उसका अटैक आया, छोटी माता। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी केवल आँखें ही बची थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसकी बाकी की पूरी बॉडी जो है उस पर कई सारे स्मॉल पॉक्स के कई सारे मार्क्स पड़ चुके थे, डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टमर्ड, तो वो हकलाती थी। स्टमर्ड मीन्स होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उड़ा करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसके कारण वो बहुत ही कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 children, रामलाल के पूरे पूरे 7 बच्चे थे, 3 sons 3 बेटे थे एंड 4 daughter, और 4 लड़कियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से जो सबसे छोटी बेटी थी उसी का नाम था भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, और रामलाल जो थे वो काफ़ी प्रॉस्परस किसान थे, यानी कि काफ़ी समृद्ध किसान का घर था ये। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, इनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे काफ़ी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो लड़के थे उनको पढ़ने के लिए सिटी भेज दिया गया था, आगे की पढ़ाई के लिए उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेज भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो बड़ी डॉटर थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, जो मंगला थी दूसरी डॉटर, उसकी शादी फिक्स्ड हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, जब मंगला की भी शादी हो जाती है, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगते हैं। दे वर गुड लुकिंग, बाकी सारी बेटियाँ बहुत ही सुंदर थी, हेल्दी थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता लगी रहती थी। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही तो वो बुद्धि से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ये देखिए, ये है भोली, सीधी साधी सी। भोली वॉज 7 years old वेन मंगला वॉज मैरिड, अब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपेंड इन देयर विलेज, उसी टाइम उसी ईयर में उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। द तहसीलदार साहिब
कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो उसके उद्घाटन के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार आते हैं। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल से कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो रामलाल हैं वो एक रेवेन्यू ऑफिसर हैं, मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू ऑफिसर ये कह लें जिसको आज के समय में हम लोग लेखपाल वगैरह कहते हैं, तो वैसे ही एक ऑफिसर थे, तो एक गवर्नमेंट के प्रतिनिधि थे, इसीलिए इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको गांव वालों के लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, और तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, सी क्राइड, तो वो चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल वो विल मैरी देम, अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर एक इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिनाई कर सकें। एट लास्ट हिज वाइफ सेट, तो बाद में उनकी वाइफ एक कंक्लूजन पे आई, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं बताती हूँ कि क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, पहली बात तो उसके शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, विद अर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस काफ़ी अगली है, एंड लैक ऑफ सेंस, उसके सेंस भी नहीं है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो वैसे भी ये घर में रहती है तो हम लोग का सर खाती रहती है, तो कुछ समय के लिए टीचर्स उसके लिए परेशान हों। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेट, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, सी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है और कैसा होता है। सी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर काउ, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड शोल्ड, उसको बस इतना याद था कि कुछ दिनों पहले उसकी जो काऊ है लक्ष्मी, उसको लेकर के गए थे और बेच दिया था, तो उसको वैसा ही लग रहा है, ना ना नो 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 नो, तो वो ऐसे करके नो नो स्टैमरिंग करके बोलती है। शी शाउटेड इन टेरर, और डर से चिल्लाती है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। वॉट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, फादर उसके कहते हैं कि तुम पागल हो, क्या बात है, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टूडे, फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, इसको आज कुछ ढंग के कपड़े पहना दो, और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस वेन दे शी हर, नहीं तो जो भी टीचर्स हैं और जो बाकी गर्ल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसको देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, सिस्टर्स के जो ओल्ड ड्रेसेस थी वही उसको दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़े धुलने हैं या उसके बाल बांधने हैं, ऐसा कुछ भी कोई ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, तो आज उसको थोड़ी साफ सुथ ड्रेस मिलती है ले जो कि काफ़ी सिकुड़ चुकी है कई बार धुलने की वजह से। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को फिट नहीं होती, मतलब कि वो जो ड्रेस है वो उसकी बड़ी बहन चंपा की है। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बिखरे हुए बालों में ऑयल किया जाता है और उनको बांधा जाता है। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसको इस बात का विश्वास होता है कि उसको उसके घर से ज़्यादा अच्छी किसी जगह पे ले जाया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले कभी उसके साथ इतनी केयर उसकी नहीं की जाती थी। वेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देते हैं। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लैडन आइस, सभी लोग अब वहाँ पर जब वो अकेले हो जाती है, उसके फादर चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और डर से देख रही होती है।
देवर सेवरल रूम्स, कई सारे रूम थे, एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, तो उसी की जैसी कई सारी लड़कियाँ वहाँ पे मैट्स पे बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो कि किताबों से पढ़ रही थी, स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, भोली से कहा गया एक कोने में बैठने के लिए एक स्कूल के क्लासरूम में। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पे क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, बस वो इतना देख के खुश हो जाती है कि वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थी जो ऑलमोस्ट उसी की एज की थी और उसी के जैसी थी। शी होप डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो ऐसी उम्मीद करती कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर वो वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो टीचर थी लेडी टीचर वो उन लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली को वो सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। शी लुकड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो दीवार पे लगी हुई पिक्चर्स की ओर देखने लगती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उसके जो पिक्चर्स के जो कलर्स होते हैं डिफरेंट रेड येलो ग्रीन ब्लैक वो उसको फैसिनेट करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, अब वो सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उस पिक्चर में जो हॉर्स बना हुआ है ब्राउन कलर का उसको वो किससे कनेक्ट कर रही है, तहसीलदार के हॉर्स से, जिस हॉर्स पे बैठकर तहसीलदार आए थे वो हॉर्स बिल्कुल उसी हॉर्स की तरह ब्राउन कलर का है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और जो गोट थी बकरी थी वो बिल्कुल वैसी ही ब्लैक कलर की थी जैसे उनके पड़ोसियों की गोट्स होती थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कर्ड, और जो पैरट था वो बिल्कुल ग्रीन कलर का था जैसा कि उसने अपने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय वहाँ पे पेंटेड थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर फेस, तभी उसने देखा कि उसके बगल में टीचर खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, और पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, फिर वो स्टैमर करती है और उसके आगे बोल नहीं पाती है। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लूड, फिर वो रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और वो अपना सर झुका लेती है और कोने में बैठी रहती है, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और वो ऊपर चेहरा उठा करके किसी की ओर नहीं देख सकती क्योंकि सभी लोग उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजती है, ऑल गर्ल्स करीट आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियाँ जल्दी से भागती हैं क्लासरूम के बाहर। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की अभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना कॉर्नर छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ है। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सिसकियाँ ले रही है। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर बड़ी ही प्यार से बोलती हैं, भोली इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी लाइफ में इतने प्यार से उसे कभी किसी ने नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हर्ट, जिससे उसका हर्ट जो है काफ़ी टच्ड हो गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप, तो टीचर ने उसको ऑर्डर नहीं दिया बल्कि उसको एक सजेशन की तरह, फ्रेंड की तरह सजेस्ट किया कि भोली से उठ जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर वूल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना आ रहा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर फॉर द सेक ऑफ काइंड वूमेन, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, जब उसने देखा कि वो जो टीचर हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं तो उसने फिर से प्रयास किया अपना नाम बताने का। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी टीचर की आवाज़ सुनकर उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छी हैं, वो उसके ऊपर हंसेंगी नहीं। भो भो भो
शी बिगन टू स्टैमर, ऐसा करके वो फिर से हकलाने लगती है। वेल डन वेल डन, टीचर उसको फिर से करेज करती हैं वेल डन कहकर। द टीचर इनकरेज हर, कम कम ऑन नाउ, और बताने की कोशिश करो, फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली, फिर वो एट लास्ट अपना नाम बता देती है भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। बाद में उसको बड़ा ही सुकून महसूस होता है क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि उसने अपना नाम बोल दिया था बिना हकलाए। वेल डन, द टीचर पैटर्ड हर अफेक्शनेटली एंड सेट, टीचर बड़े ही प्यार से उसको थपथपाती हैं, उसकी तारीफ करती हैं। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बिगन एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, टीचर कहती हैं अपना डर खत्म कर दो, तुम बिल्कुल दूसरों की तरह बात कर लेने लगोगी जल्द ही। भोली लुकड अप एज इफ सो आस्क, रियली, भोली उनकी ओर देखती है जैसा मानो वो पूछना चाह रही हो कि क्या सच में मैं ऐसे बोल पाऊंगी सबकी तरह। सो ये था पार्ट वन, पार्ट टू आपको जल्द ही मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।